फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस। प्लैटीहेलमिन्थेस एनसीईआरटी देखते हैं हम क्या है। पहले दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी हेंस आर कॉल्ड फ्लैट बोन्स। इनके पास क्या होती है, डोर्सो वेंट्रल फ्लैट बॉडी होती है इनकी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्लैटीहेलमिन्थेस और फ्लैट बोन्स। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स। कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट्स इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। फ्लैट वर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ए स्लोमेट्स। इट इज़ इम्पोर्टेंट लाइन, ये इम्पोर्टेंट लाइन है हमारी। फ्लैट वर्म्स आर बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और मोस्टली ए स्लोमेट्स होते हैं, ये इम्पोर्टेंट लाइन है हमारी। ये फ्लैट वर्म्स आर बायलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ए स्लोमेट्स, ये इम्पोर्टेंट लाइन है हमारी। नेक्स्ट देखते हैं, एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन दी पैरासाइटिक फॉर्म। क्या क्या प्रेजेंट होता है, हुक एंड सकर्स। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। बॉडी पे चिपक जाते हैं, वहाँ से ब्लड या फिर न्यूट्रिशन ले लेते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड फ्लेम सेल्स। प्लैटीहेलमिन्थेस के पास क्या होता है, इस फ्लेम सेल्स होती है फॉर ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है हमारी। इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है, उसे बोलते हैं फ्लेम सेल। ये किस में हेल्प करता है, ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रिएशन में। जो इनके सेक्सेस होते हैं आर नॉट सेपरेट, मेल और फीमेल सेपरेट्स नहीं होते। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू दी मैनी लार्वल स्टेज। सम मेंबर्स लाइक प्लानेरिया पोजेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है इनमें, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, टीनिया जिसे टेप बॉम कहते हैं, फेस्कुला जिसे लिवर फ्लूक कहते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट लाइन क्या होती, क्या होगी हमारी, ये वाली। फ्लैट वर्म्स आर बायलेटरल एंड एसिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ए स्लोमेट्स। प्लैटीहेलमिन्थेस कैसे होते हैं, ए स्लोमेट्स होते हैं। कैसे होते हैं, ए स्लोमेट्स। ए स्लोमेट्स होते हैं, ठीक है, और कैसे होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री होगी और हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और इनके पास एक होती है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल, ठीक है, जो कि किस में हेल्प करती है, ओस्मोरेगुलेशन में, एक्सक्रिएशन में, ठीक है, और एक्सक्रिएशन में। और प्लैनेरिया हमारा प्लैटीहेलमिन्थेस होता है जिसके पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। और इसके दो एग्जांपल हमारे टीनिया टेप बॉम्स एंड फेस्कुला लिवर फ्लूक कहते हैं इसको, ठीक है। ये इनके डायग्राम है, देखो एग्जांपल्स ऑफ प्लैटीहेलमिन्थेस टेप बॉम और लिवर फ्लूक का डायग्राम है। ये किसका है, फेस्कुला, ठीक है, ये किसका है, टीनिया। टीनिया का एग्जांपल है हमारा, ठीक है। अब देखते हैं हम एस्केहेलमिन्थेस, ठीक है। एस्केहेलमिन्थेस हमारा
अच्छा खासा है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट, वो देखते हैं हम, ठीक है। तो फाइलम एसके हेलमेंथिस, द बॉडी ऑफ एसके हेलमेंथिस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। इनकी ये बॉडी होती है कैसी होती है, सर्कुलर होती है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन अगर हम इसको देखें जैसे ऐसे कट करेंगे तो ऐसे दिखेगी हमें, ठीक है। हैंस दीज आर नोन एज राउंड वॉर्म्स। जो प्लेटी हेलमेंथिस के थे वो फ्लैट थे, ये कैसे हैं, सर्कुलर, ठीक है। तो इसको बोल देंगे राउंड वॉर्म्स। दिस दे मे बी फ्रीली फ्री लिविंग एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो राउंड वॉर्म्स होते हैं, एस्के हेलमेंथिस होते हैं, वो कैसे होते हैं हमारे, पैरासाइटिक भी होते हैं प्लांट्स पर, एनिमल्स में, एक्वेटिक में भी होते हैं और फ्री लिविंग एक्वेटिक होते हैं। राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम्स लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे हैव बायलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीडोसिलोमेट्स। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लेटी हेलमेंथिस कैसे थे हमारे, फ्लैटी हेलमेंथिस थे एसिलोमेट्स, ये कैसे हो गए, सीडोसिलोमेट्स होते हैं हमारे। ये भी बायलेटरल सिमेट्री मिलती है इनमें, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बट ये क्या होते हैं, सीडोसिलोमेट्स होते हैं। जो उनकी सिलोम बनेगी ना, उसमें जो पाउचेस होंगे वो कैसे होंगे, डॉटेड ऐसे सॉलिड पाउच लाइक बने होंगे। एलिमेंट्री कैनाल इज कम्प्लीटली विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होगा वो वेल डेवलप्ड होगा। एन एक्सक्रेटरी ट्यूब मूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रेटरी पोर्स। इनके पास एक एक्सक्रेटरी पोर्स है, उससे वेस्ट मटेरियल को निकाल देते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, डायोसियस होते हैं ये, ठीक है। वो हमारे कैसे थे, मोनोसियस, ये कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं। मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, इसमें बताया जाता है मेल और फीमेल कैसे होते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, एस्के हेलमेंथिस कैसे होते हैं, डायोसियस से होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल हमारे डिस्टिंक्ट होते हैं। अब ये देखो, ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। जो हमारी फीमेल है वो कैसी होती है, मेल से बड़ी होती है। तो ये फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। देखो ये फीमेल है, ये मेल है, तो यही बोला है, ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। जो फर्टिलाइजेशन है इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट, द यंग वंस रिसेम्बल्स द अडल्ट और इनडायरेक्ट। तो इनके जो एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं हम। देखो एस्केरिस राउंड वॉर्म कहते हैं इनको, एस्केरिस कैसे होता है, राउंड वॉर्म्स। वुचेरिया फ्लेरियल वॉर्म्स होते हैं। इनसाइक्लोस्ट्रोमा हुक वॉर्म्स होता है। ये तीन एग्जांपल हैं हमारे एस्के हेलमेंथिस के, ठीक है। एस्केरिस राउंड वॉर्म्स, वुचेरिया फ्लेरियल वॉर्म्स, इनसाइक्लोस्ट्रोमा हुक वॉर्म्स, तीन हो गए हुक वॉर्म्स। और ये इम्पोर्टेंट लाइन, स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं, डायोसियस होते हैं, मेल और फीमेल में डिस्टिंक्ट होता है, मेल हमारा छोटा होता है फीमेल से, ठीक है। और इनके तीन एग्जांपल्स, एस्केरिस का क्या करता है, राउंड वॉर्म्स कॉज करता है, राउंड वॉर्म होते हैं, और वुचेरिया फ्लेरियल वॉर्म होता है, और इनसाइक्लोस्ट्रोमा क्या करता है, हुक वॉर्म होता है। तो ये इनके डायग्राम है एग्जांपल्स ऑफ एस्के हेलमेंथिस राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म तो हम इसमें बता सकते हैं फीमेल कौन सी है, मेल कौन सी है। तो ये देखो छोटी है, ये छोटी है, छोटी एस्के हेलमेंथिस है, ये बड़ी है एस्के हेलमेंथिस है। तो ये एब्सोल्युटली फीमेल होगी, ये हमारा मेल होगा, ठीक है। राउंड वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स को क्या बोलेंगे, एस्केरिस। और बाकी फाइलम हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।